खुशी मनाओ, संपूर्ण राज्य खुशी मना रहा है, कोई मिठाई बांट रहा है, कोई दीप जला रहा है, कोई एक दूसरे को गले लगा रहा है। वो नहीं समझ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है कि आत्मा जो परमात्मा का स्वरूप है वो जानती है कि इस धरा का बोझ, इस धरा का भार उतारने के लिए आज इस जीव ने प्रकट हुआ है। वो जीव कोई साधारण जीव नहीं है, वो जीव ही इस धरा को धर्म पूर्वक रहेगा, रखेगा। इसलिए हर एक को ऐसा लगता है कि आज मेरे घर में ही बालक का जन्म हुआ है। जैसे कोई अवतार हुआ है, देव प्रकट साकार हुआ है, अंतर मन तो जानता ईश्वर के हर काम, मौन मत मोह से समझ सके ना। का व्यवहार कर रहे हैं दासियां, प्रभु श्याम को खिलाने के लिए ले जाती हैं, तो दासियां जब देखती हैं कि प्रभु श्याम स्वयं ही हंसते मुस्कुराते हैं तो वो भी अपने खेल खेल में लग जाती है। अब ये क्या कर रहे हैं कि घुटनों के बल चलने का प्रयास कर रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं,
और गिर जाती है। और जो ही गिरते हैं तो एक कस के चिल्ला रहे हैं, खूब तेज रो रहे हैं। जो ही वो रो रहे हैं ताशा लेने भागती है, लेकिन जब तक वो ले तब तक वो रो रो के इतना रोए कि माँ को आवाज सुनाई दी। और जो ही माँ को रोने की आवाज सुनाई थी, भूलसी माता दौड़ के आती, क्या हुआ मेरे लाल को? भूलसी मन से आती माता, लगा से झट सुत गाता, मेरे लाला का मुख लाल हो रहा, रो रो के इसने पूरा मुंह भर लिया है। अपनी गोद में उठाती है और देखती है कस के दासियो की तरफ, क्या कर रही थी तुम तो सब लोग? दासिया सर झुकाए खड़ी है, लेकिन देख रही है लाला की तरफ। देखो कितना बदमाश है, ऐसे चिल्ला के रोया जैसे हमने इसको मारा हो। अरे अपने जो घुटनों पर चलने का प्रयास कर रहा है, और अब देखो जब माँ ने सीने से लगा लिया है तो टुकुर टुकुर हमारी तरफ ताक रहा है, खाली हमको परेशान करने के लिए। खड़ी दासिया झुका के सिर को देख कनकिया, राजकुमार को पाल फिराई देख के मां का मन हर्षा, पल में रोए हंसे पल में ही सो जाए। मां देख रही है कैसी कैसी क्रीड़ाएं कर रहा है, अभी रो रहा था, चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, और जो ही मां ने उठा के उर से लगाया, सीने से लगाया, चुप, और चुप हो गए, अब हंस रहा है। तो सखिया कह रही, घबरा मत, थोड़ी देर में हमारे पास आएगा, जब आएगा तब तेरे को बताएगा। तो माताएं जब वो चुप हो जाता है तो माताएं देती है, लो अब ढंग से रखना, ध्यान रखना, गिरे नहीं मेरा लाला। तुम लोग इतने सारे क्या कर रही हो? तो कहते हम तो इसी के खिलाने लगे, इसको नहीं खिलाते, तुम लोग खुद खेल रही हो, तुम लोग क्या करें, इन्हीं के खिलाने के लिए तो खेल रही है। अच्छा अच्छा जाओ, लेके जाती है, वहां मट्टी मट्टी है, वहां लाला को खिलाने छोड़ती है। लाला उन सबसे पकड़ पकड़ के खड़े होने के प्रयास करता है। अब भाई महिलाएं तो हैं, जब ऐसा माहौल देखती हैं तो लगती है वो घूमर घाल लें। जब वो घूमर घालती है तो भाई साहब भी साथ साथ घूमर घाल रहे हैं। किस तरह का दृश्य है? खेले खेले मायड़ सारी पोड़, छोटो सो मारो श्याम धनी, खेले खेले मायड़ सारी पोड़, छोटो सो मारो श्याम धनी, मिलके मचावे रिम झो व्यवहार कर रहा है। दिल के दीवानों
मिल जाता है। अब धूल में चले गए और धूल को उड़ा रहे हैं, सखियां नाच रही है वो धूल उड़ा रहे हैं। माटी माही खेल डालो खूब धूल उड़ावे, माटी माही खेल डालो खूब धूल उड़ावे। जय कोई जावे हो रहा है, और जो ही सखी जाती है लेने के लिए तो तेजी से दौड़ता है। अब वो दौड़ रहा है, आगे पीछे सखिया दौड़ रही है। जय कोई जावे लेवर ताई पीने खूब छकावे, जय कोई जावे लेवर ताई पीने खूब छकावे।
जैसे हर माता अपने पुत्र को दूध पिलाती है, माता मौरी भी हमारे प्रभु श्याम को चंदन की चौकी पर बैठ के दूध पिला रही है। बस फर्क है तो इतना है कि ये माँ छत्राणी माँ है, एक राजकुमार को जन्म दी है और एक महारानी है, इसलिए ये अपने पुत्र को दूध पिलाते हुए कुछ अलग से कुछ कहती है, वो सुनने की बात है। चंदन की चौकी पर बैठी मैया दूध पिलावे, चंदन की चौकी पर बैठी मैया दूध पिलावे, लाज रखिए मारे दूध की मैया लोरी सुनावे, तू लाज रखिए मारे दूध की मैया लोरी सुनावे, लाल की। बस